गाइस, वेलकम अगेन बैक रविदेव ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं अभी बिहार में हूँ और बिहार में आप लोगों को पता है वैशालीगढ़ जो फेमस है, तो वहाँ बुद्ध टेम्पल है। तो मैं आप लोगों को बुद्ध टेम्पल का दर्शन कराने का कोशिश करने वाला हूँ और मैं वहाँ जाऊँगा अभी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहे और वीडियो का आनंद लें। और जैसा भी हो, वहाँ जाने के बाद जो भी मुझे मिलता है मैं आप लोगों को पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो पे बने रहे। हमारे साथ है स्नेहा शर्मा और इधर दीपक नायडू और एक है विभम, यहाँ का लोकल है। इसे हम लोगों ने लिया साथ में ताकि हम लोगों को वैशाली टेम्पल घूमने में कोई तकलीफ ना हो। है तो दिखा कुछ। इधर हमारे दोस्त। तो गाइस, आप लोग कभी भी कहीं भी जाओ तो गाइड लेना जरूरी होता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है अगर साथ में एक गाइड हो तो, घूम के मज़ा भी आता है। वैसे अगर कोई जान पहचान का अगर मिल जाए तो गाइड का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग भी यहाँ आइए और वैशाली ज़िले का आनंद लें, वैशाली टेम्पल का। गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम लोग वैशालीगढ़ पहुंचने ही वाले हैं बस। तो मैं सामने ये गेट है वैशालीगढ़ का, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो गेट है वो वैशालीगढ़ के अंदर प्रवेश का गेट है और यहीं से वैशालीगढ़ आप जा सकते हैं। और यह जो है हाईवे के बगल में ही है। तो आप लोग जब भी वैशाली आओ तो वैशाली बुद्ध टेम्पल का दर्शन आप लोग को करना है। बहुत ही अच्छा जगह है और काफ़ी वहाँ जाने का, जब आप लोग वहाँ पहुँचेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अपने आप मन के अंदर अपने आत्मा को बहुत ही शांति मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो जगह है बहुत ही अच्छा है। मैं अपने लाइफ में पहली बार यहाँ आया। और गाइस, यहाँ जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हमारे असम के अंदर यह शिव सागर एक जगह है, वहाँ शिव मंदिर है और उसके बगल में ही ठीक इसी प्रकार एक बहुत ही बड़ा तालाब है, पर यह तालाब उससे थोड़ा छोटा है। और अभी हम लोग आके गेट के पास पहुंच गए, अब हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं बोर्ड पे, यहाँ जापान के लोगों का रहने का यहाँ रूम भी है, जापानी बुद्ध मंदिर ऐसा लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ जापान के लोग रहते हैं। अभी हम लोग मेन गेट के अंदर जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद ही आपको पता चलेगा बुद्ध टेम्पल यहाँ का कैसा है। यह मेन गेट है, इसी गेट से हम लोग अंदर जाएँगे और यहाँ काफ़ी भीड़ भी होता है। कोरोना काल में भी यहाँ शांति है और सुबह सुबह का समय है, करीब सुबह 10:30 बज रहा है अभी, इसलिए अभी यहाँ शांति है। तो आप लोग जब भी यहाँ आओ, पूरा घूमना है और टेंपल का चारों तरफ घूम के टेंपल का मज़ा लेना है। तो गाइस, नीचे से जब आप लोग देखेंगे तो वहाँ का व्यूज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते से आया था। अब मैं ऊपर की तरफ चढ़ने वाला हूँ और ऊपर जाके आप लोग को दिखाने का पूरा कोशिश करूँगा क्या है। पहले आप तो देखिए, दर्शन कर ही रहे हैं, ऊपर बुद्ध भगवान जो है वो बैठे हुए हैं और उसके आगे और क्या होने वाला है, क्या कैसा है, मैं आप लोग को सब दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग देखते रहिए और मेरे वीडियो का आनंद लेते रहिए। आप लोग यहाँ आओगे तो पहले ऐसा आपको फ्रंट की तरफ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा और इसके बाद आप राउंड भी घूम सकते हैं। और नीचे के नीचे एक मंदिर है, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को मंदिर दिखाने का। पीछे स्कूल का पलटन सब है। अभी हम लोग पूरे चारों तरफ घूम रहे हैं, इधर भी आपको एक ऐसा दिखने को मिलेगा और आगे आगे भी ऐसा है, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहे, एकदम लास्ट तक बने रहे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करना मत भूलना।
इधर भी एक ऐसा जाएंगे और फिलहाल इधर जो है गौतम बुद्ध आराम कर रहे हैं और इसके आगे क्या है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, अब नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ काफ़ी स्कूल के स्टूडेंट्स लोग भी आए हुए हैं तो इन लोगों को फोटो खिंचवाने देते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, बहुत ठंडा। चलो गाइस, आप लोगों को मैंने दिखाने हैं कोशिश किया, लास्ट फ्लोर जो नीचे है उसके ग्राउंड फ्लोर, तो मैं वहां जाऊंगा मंदिर पे आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। और आशा करता हूं आप लोगों को अभी तक का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। गाइस, जब आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे फर्स्ट फ्लोर से, तो आप लोगों को कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा, काफ़ी ही बेहतर और सुंदर दृश्य है यहाँ का। तो आप लोग बने हुए रविदेव ब्लॉग पे, तो प्लीज़ जितना भी हो सके आप लोग रविदेव ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। गाइस, यहाँ जो बच्चे हैं वो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो अब हम लोगों का जाने का समय तो हो चुका है, काफ़ी अब यहाँ भीड़ होने वाला है क्योंकि अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं और सुबह का समय था, तो हम लोग जल्दी आ गए ताकि आप लोगों को अच्छे से यहाँ दिखा सकें। और करीब यहाँ पर डे 1000 से 1500 लोग तो आते ही हैं। हम लोग बौद्ध टेम्पल घूम लिए, अब यहाँ से निकल के जा रहे हैं और ख़ासकर यही घूमने के लिए यहाँ पे आए हुए थे वैशाली। तो आज का जो मेरा वीडियो था वो आप लोगों का कैसा लगा कमेंट कर प्लीज़ बताएं। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।